तो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के हिसाब से बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और रीअरेंजमेंट में नीट और जेई के सिलेबस में कुछ रीअरेंजमेंट है, उसमें वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीअरेंजमेंट है पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो देखिए, पहला सवाल यही उठता है कि इसमें दो वर्ड है, एक का नाम है पिनाकोल, एक का नाम है पिनाकोलोन। तो समझो, ये ओल बता रहा है कि यहाँ एल्कोहल होगा, ओल मीन्स एल्कोहल, और यहाँ सफिक्स लगा हुआ है ओन, ओन बता रहा है कि कीटोन होगा, यानी एल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू कीटोन। आप कह सकते हैं एक तरह से कि ये एक टॉटोमेरिज्म का उल्टा है। टॉटोमेरिज्म में हमेशा हमने देखा था कि कीटोन कन्वर्ट होता था इनॉल फॉर्म में, यहाँ इनॉल तो नहीं है, इसलिए मैं जस्ट अपोजिट नहीं कहता हूँ, लेकिन समझाने के लिए ज़रूर बोलता हूँ कि एल्कोहल कन्वर्ट हो गया है कीटोन में। कीटोन को अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो कार्बोनाइल ग्रुप बोलूँगा, कार्बोनाइल ग्रुप, क्योंकि हो सकता है एल्डिहाइड भी बने। दूसरी चीज, एल्कोहल का नाम ओल जरूर है, लेकिन पिनाकोल कहते हैं हम लोग 1,2-diol को। यह मैंने जानबूझकर 1,2 लिखा है, 1,2 जरूरी नहीं है, हो सकता है 3,4 हो, यानी कॉन्सिक्यूटिव दो लगातार कार्बन पर एल्कोहल होंगे, और ऐसे कंडीशन को हम लोग कहते थे विसिनल, विसिनल एल्कोहल, जेमिनल एल्कोहल और विसिनल एल्कोहल, दो एल्कोहल होते हैं। जेमिनल वो होता है जिसमें एक ही कार्बन पर दो OH ग्रुप होते हैं, विसिनल कहते हैं दो कॉन्सिक्यूटिव कार्बन हो और दोनों पर OH हो। तो ये है एक्चुअली पिनाकोल, यहां इनॉल नहीं है बल्कि दोनों का दोनों ओल है। अगर ये इनॉल था और इनॉल कीटोन में कन्वर्ट हो रहा होता तो हम लोग कहते कि ये टॉटोमेरिज्म है, तो इन की जगह पर भी एल्कोहल होता है। तो दो लगातार कार्बन पर अगर एल्कोहल है तो उसका नाम विसिनल एल्कोहल है, या उसको हम लोग पिनाकोल कहेंगे। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में या एल्डिहाइड में, इसीलिए मैंने कहा कार्बोनाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये हमेशा याद रखिएगा कि ये जो कन्वर्जन होता है इट अकर्स इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में होता है। इसके अंदर तीन या चार पॉइंट हैं बड़े इंपॉर्टेंट, अगर आप उसको समझ लीजिएगा तो आपको ये रिएक्शन बहुत आसान लगेगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पहले रिएक्शन और मैकेनिज्म पर, कि एसिडिक मीडियम में कैसे काम करता है और पिनाकोल कैसे पिनाकोलोन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो माइग्रेटिंग टेंडेंसी होगा, वो अगर आपको समझ में आ गया तो इस पे बेस्ड किसी भी लेवल का क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो चार पांच में प्रैक्टिस के लिए यहाँ क्वेश्चन दूंगा। तो पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक सिंपल या बेसिक कॉन्सेप्ट पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट का। तो देखिए, ये दो कार्बन, इस पर OH, इस पर OH, यही था पीना कोल। अब देखो, इसकी वैलेंसी अगर मुझे सेटिस्फाइड करनी है, दोनों तरफ मैं सेम सिचुएशन इस वक्त रखता हूं स्टार्टिंग में, इसलिए सेम सिचुएशन, यहां पर भी CH3, यहां पर भी CH3, दोनों तरफ मिथाइल मिथाइल रख दिया, यहां पर भी
CH3, यहां पर भी CH3। एसिडिक मीडियम में हम लोग इसका रिएक्शन कराएंगे। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि ये जो एसिडिक मीडियम है जिसने H प्लस रिलीज किया है वो दरअसल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4। ये H प्लस रिलीज करता है, तो हम लोग एसिडिक मीडियम में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लेंगे, क्योंकि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। उस स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से क्या होगा, ये दोनों एच अपना रिलीज कर देगा। तो ये रिएक्शन में आगे बताऊंगा तो वहां जरूर लिखूंगा कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। रीजन बताऊंगा थोड़ी देर में क्यों। पहले समझो काम कैसे करता है। आपको पढ़ाया गया था एल्कोहल चैप्टर में कि एल्कोहल में OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, जबकि अल्काइल हैलाइड में अगर यहाँ हेलोजन होता तो हेलोजन एक अच्छा लिविंग ग्रुप था। लेकिन एल्कोहल को अच्छा लिविंग ग्रुप कन्वर्ट करने के लिए पहले वाटर बनाते हैं। तो वाटर कैसे बनता है एसिडिक मीडियम में, यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल है तो इसमें कोई एक एल्कोहल अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। मैं स्ट्रक्चर दिखला दे रहा हूं, ये आ जाएगा सिचुएशन। पहले स्टेप पर यही होगा, ये मीडियम का रोल है कि सबसे पहले जो दो OH आपको नजर आ रहे हैं दो कॉन्सिक्यूटिव कार्बन पर, उसमें से एक OH जो होगा अपना लोन पेयर दे देगा प्रोटॉन को और उनके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जब हम लोग सिंगल को वैलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं तो आपको पढ़ाया था फॉर्मल चार्ज आता है, चूंकि ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया है तो इस पर आएगा प्लस और इसने रिसीव किया है तो इस पर आएगा माइनस, इस पर लगा हुआ था पहले से प्लस, प्लस माइनस मीन्स न्यूट्रल। अब क्या होगा, ओ पर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा इसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिव बढ़ जाएगी तो ये खींचकर वाटर रिलीज कर देगा। यानी पहले स्टेप पर आप कह सकते हैं डिहाइड्रेशन हुआ है, डिहाइड्रेशन। और ये जो एसिड है ना, इस पर एक बार जेई में सवाल पूछा था कि ये काम कैसा करता है, तो ये काम करता है एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। हाइड्रेट का मतलब होता है एक्चुअली वाटर, डी का मतलब होता है रिमूव, यानी वाटर को निकालने वाला है। वाटर कैसे निकलेगा, ये एच देगा OH के साथ ये एच बॉन्ड बनाकर वाटर निकल जाएगा। तो ये सब एक ही स्टेप में हुई है, तो इंटरमीडिएट बनाया था थोड़ी देर के लिए। वाटर जैसे ही रिलीज होगा सर ऑक्सीजन, अब यही बताता हूं, अब देखिए क्या होगा, यहां पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, यानी इस कार्बन के पास एक वैकेंसी आ गई, ये खींचेगा तो यहां पर जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए, तो यहां पर दो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में रह रहे थे वो ऑर्बिटल खाली हो गया और कार्बन पर प्लस चार्ज आ गया। देखो होता क्या है, मैंने पहले पढ़ाया है आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है। अब अगर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हमें देखनी है तो ओ प्लस की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज़्यादा है ओ न्यूट्रल से, और NaN की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कम है। इसको आप साइज से कोरिलेट करके समझ सकते हैं, जैसे ही प्लस चार्ज आया साइज छोटा हो गया और जैसे ही निगेटिव चार्ज आया साइज बढ़ गया, और साइज का इन्वर्सली होता है इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। तो अगर मैं साइज का ऑर्डर लिखता तो साइज का ऑर्डर ये आता, दिस इज द ऑर्डर ऑफ साइज। तो अगर मैं साइज की बात करूं तो ये ऑर्डर है बोलो, और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी की ऑर्डर की बात करूंगा तो ये होगा। तो ऑक्सीजन वैसे भी कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव था, लेकिन जैसे ही प्लस चार्ज आया अब ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव हो गया, तो ये खींचेगा बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को।
इसीलिए कहते हैं OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन OH जैसे ही वाटर बन गया, वाटर बनने में क्या होगा कि ऑक्सीजन पे एक प्लस चार्ज आ जाएगा, तो ये खुद को न्यूट्रल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा इस कार्बन से, तो इसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज आएगा, प्लस निगेटिव न्यूट्रल, और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो याद रखिएगा एसिडिक मीडियम में सबसे पहले स्टेप पर यही दो काम होता है, ये मैकेनिज्म में साथ साथ बता रहा हूँ कि आपने पिनाकोल लिया, पिनाकोल पढ़ाया था, दो लगातार कार्बन पे OH रहेंगे ही रहेंगे, एसिडिक मीडियम लेना ही लेना है, तो हर बार ऐसे ही होगा कि एक वाटर रिलीज हो जाएगा और जहां से वाटर रिलीज होगा उस कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो अभी तक आप अगर समझें तो रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है कोई एक चीज एक जगह से उठ के दूसरी जगह चली जाए, अभी तो सिंपली ये हुआ है कि पूरा का पूरा OH ग्रुप रिलीज हो गया। तो पहले स्टेप पर यही होगा, दो एल्कोहल में से एक एल्कोहल रिलीज हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप जो स्टार्ट होता है वो है रीअरेंजमेंट। कार्बोकेटायन जब बन गया तो वो कार्बोकेटायन रीअरेंज होगा। चलो दिखलाता हूं मैं, जो प्रोडक्ट हमारा बना था पहले स्टेप पर वो प्रोडक्ट ये है। ठीक, अब देखो ये जो कार्बोकेटायन है ये एक्चुअली 3 डिग्री है, टर्सरी कार्बोकेटायन। हालांकि कहते हैं टर्सरी कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। अगर आप कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हाइपर कंजुगेशन से देखना चाहते हैं तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, इस अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन तो है ही, इस कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है इस वक्त। तो अल्फा कार्बन 3 है इसलिए टर्सरी कार्बोकेटायन हुआ, और अल्फा हाइड्रोजन देखिएगा तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, साथ में इंडक्टिव इफेक्ट भी, हालांकि इंडक्टिव वीक है, ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, ये वाला ग्रुप, ये सब देकर इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। स्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब पॉजिटिव चार्ज छोटा हो रहा है, मगर फिर भी यहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है। ये जब मैं आपको माइग्रेटिंग टेंडेंसी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो इसलिए ये रीअरेंजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट जो है वो बहुत क्लियर करते चलिए, किसी भी पॉइंट से सवाल पूछ देता है। जैसे डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों लेंगे, मैं आगे बताऊंगा, और डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का काम क्या है। उसके बाद ये कार्बोकेटायन जो कि टर्सरी है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल होता है, स्टेबल होने के बाद भी रीअरेंजमेंट क्यों होता है, और रीअरेंजमेंट हमेशा 1-2 होगा। जैसे मैंने कहा था ना दो लगातार एल्कोहल, तो याद रखिएगा जब शिफ्टिंग होगा, रीअरेंजमेंट होगा, तो दो लगातार के बीच में होगा। लगातार का मतलब क्या होता है वो सुनिए, लगातार का मतलब ये होता है कि इस कार्बन पर यहां से फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर, चूंकि एक फंक्शनल ग्रुप जा चुका है तो अब फंक्शनल ग्रुप नहीं जाएगा, इसके अलावा या तो ये मिथाइल ग्रुप या ये मिथाइल ग्रुप शिफ्ट होगा, इसी को कहते हैं रीअरेंजमेंट। तो ये मिथाइल ग्रुप यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, ये बताता हूँ कैसे, और ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा यहाँ, जिसको आप मेसोमेरिक इफेक्ट कह सकते हैं, प्लस है कि ये लोन पेयर अटैक मारेगा यहाँ, यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ चला जाएगा। तो देखो क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O, एच ओ पर आ गया फिर से प्लस चार्ज। कौन से कार्बन पे? टर्सरी कार्बन पे डायट कैसे चला जाएगा? अगर ये डायट जाएगा तो ये 3 मेंबर रिंग बन जाएगा, एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा, 3 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं है। अगर चिलेशन करना है तो 5 मेंबर या 7 मेंबर रिंग बनने चाहिए थे, इसलिए ऐसा नहीं हो पाएगा। अभी इसको शिफ्ट नहीं कर रहे, बस घेरा है, अभी सिर्फ ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे अटैक किया है। अब देखो जब इस पे अटैक करेगा तो उसी वक्त साइमल्टेनियसली ये बॉन्ड टूटेगा, वरना अगर बॉन्ड नहीं टूटेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, ये हाईली अनस्टेबल कंडीशन है। इसलिए मैं समझाने के लिए भी रखा था इस बॉन्ड को कि क्या होता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ही अटैक करता है उसी वक्त सेम टाइम पर इन दोनों में से, चूंकि दोनों ग्रुप सेम है, दोनों मिथाइल है, इसीलिए कोई एक मिथाइल ग्रुप ब्रेक हो जाता है,
और जो भी शिफ्ट हो रहा है याद रखना वो निगेटिव चार्ज में शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ अटैक करेगा, ये इधर, यानी सारे आइड शिफ्ट होंगे। ये पॉजिटिव होता तो कार्बोकेटायन कहलाता, निगेटिव है तो कार्ब एनायन, तो ये कार्ब एनायन बन गया। अब देखो ये निगेटिव है तो उसको अट्रैक्ट कौन करेगा, ये पॉजिटिव, और सेम टाइम पर यहां पर चूंकि प्लस चार्ज आ गया है तो फिर वही इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, डबल बॉन्ड को तो ब्रेक करेगा नहीं। अगर मान लो ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करता तब तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाता। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए अब बताओ इस ऑक्सीजन और इसके बीच में कौन सा बॉन्ड टूटेगा, लेकिन होता क्या है, इस बॉन्ड के टूटने से पहले ये जुड़ जाता है, क्योंकि सेम टाइम पर हुआ है, ये यहाँ गया है, ये बॉन्ड टूटा है, इस पर निगेटिव पॉजिटिव, पहले ये शिफ्टिंग होती है, तो इसका मतलब पहले स्टेप पर ये बनता है, उसके बाद आखिर स्टेप में आप कह सकते हैं कि चूंकि इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया है तो ये वाला शिफ्ट हो जाएगा, यानी वापस H प्लस रिलीज कर दिया गया, जो यहाँ एक्सेप्ट किया गया था वो रिलीज कर दिया गया। इसका मतलब ये सिर्फ डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह नहीं काम करता, ऑल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट। ये तो पहले रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है डिहाइड्रेटिंग, उसके बाद एट द एंड ऑफ रिएक्शन वापस सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। ये H प्लस जैसे ही रिलीज होगा, अब जरा देख लीजिए प्रोडक्ट आपका क्या बना, दिस इज कीटोन, दिस इज कॉल्ड पिनाकोलोन। ठीक है, ये पूरा दो स्टेप प्रोसेस है, एक्चुअली दो स्टेप में होता है। पहले स्टेप में एल्कोहल एक रिलीज होना ही होना है, एसिडिक मीडियम है तो एल्कोहल एक रिलीज होने का मतलब वाटर के फॉर्म में रिलीज होगा, कार्बोकेटायन बनेगा, वो कार्बोकेटायन रीअरेंज करेगा, यही रीअरेंजमेंट वाला प्रोसेस है। यहाँ पर रीअरेंजमेंट हुआ है और रीअरेंजमेंट होने के बाद वो फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोनाइल ग्रुप में या कीटोन ग्रुप में। क्लियर, अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर रीअरेंजमेंट क्यों हुआ। तो इस पूरे फेनोमेना को सबसे पहले दुनिया के सामने लाया था जिस साइंटिस्ट ने, उस साइंटिस्ट का नाम है विटिक, यानी दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय विटिक। आपने पढ़ा होगा वुड्स रिएक्शन और विटिक रिएक्शन, तो ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बेंजीन रिंग पर सोडियम का अटैक करा के डाइफिनाइल बनाया था। तो विटिक ने सिर्फ डाइफिनाइल नहीं बनाया है, मेटल वाला रिएक्शन नहीं करवाया है, बल्कि उसने पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट करवाया है और इसी के लिए इसको अवार्ड भी मिला है। मगर विटिक ने इसका नाम शुरू में पिनाकोल पिनाकोलोन नहीं कहा था, बल्कि उसने इस पूरे रिएक्शन को एक नाम दिया था। तो विटिक ने इस रिएक्शन को नाम दिया है पुश एंड पुल मैकेनिज्म। जो बाद में पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट कहलाया, लेकिन इसने शुरू में नाम दिया था पुश एंड पुल मैकेनिज्म। तो ये थोड़ा सा आप हिस्ट्री बैकग्राउंड से समझ लीजिए कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस रिएक्शन का ये है कि सबसे पहले दुनिया के सामने विटिक लेकर आए थे और उन्होंने इसका नाम पुशपुल मैकेनिज्म कहा था। पुशपुल क्या है समझो, इनका कहना क्या है, इनका कहना कि ठीक है ये कार्बोकेटायन तो है
लेकिन इस पूरे रिएक्शन मतलब इस पूरे प्रोसेस में अगर गौर से देखा जाए, समझा जाए बात को, तो ये कार्बन चूंकि पॉजिटिव बन गया है तो कह सकते हैं ये पूरा स्ट्रक्चर जो दूसरे स्टेप पर आपको दिख रहा है वो अनस्टेबल है, जबकि पहले स्टेप पर ये स्टेबल था, क्योंकि इसमें कहीं पर भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं है, सबके सब स्टेबल है, सबका ऑक्टेट पूरा, कहीं पर कोई चार्ज वार्ज नहीं आया है, लेकिन एसिडिक मीडियम होने की वजह से ये रिएक्शन प्रोसीड किया, प्रोसीड करके इंटरमीडिएट बना है थोड़ी देर के लिए ये। हालांकि टर्सरी कार्बोकेटायन सेकेंडरी से ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि इसके मुकाबले में ये कंपाउंड स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, पुश और पुल। तो पहले पुश होता है, पुश का मतलब क्या कि इस पॉजिटिव को चाहिए निगेटिव चार्ज, निगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन। तो आप देखो लोन पेयर सबसे ईजिली डोनेट किया जा सकता है, हालांकि इसको कौन दे रहा है, ये दे रहा है, ये दे रहा है, लेकिन ये सब सिग्मा बॉन्ड दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डेल्टा निगेटिव आ रहा होगा, या यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन अगर होगा तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच का पहले सिग्मा बॉन्ड टूटेगा फिर आएगा। और सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है मेसोमेरिक इफेक्ट, और यही है मेसोमेरिक इफेक्ट, क्योंकि इस पूरे कंपाउंड में कोई एक ऐसा ग्रुप है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली इस डायरेक्शन में जाना चाहता है। इस लड़के ने सवाल पूछा कि सर डायट क्यों नहीं दे देगा, अगर डायट दे देगा बेटा तो थ्री मेंबर रिंग बन जाएगा, और थ्री मेंबर रिंग ज़्यादा स्टेबल नहीं, इसलिए वो क्या करेगा वाया देगा, मतलब इधर अप्रोच होना है लेकिन इस कार्बन से डायट जुड़ा हुआ ये कार्बन है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दिया जाएगा, दिस इज कॉल्ड पुश, कि लोन पेयर को पुश किया गया, दिया गया। अब जैसे ही लोन पेयर इस पर आएगा वैसे ही इस कार्बन के पास पांच बॉन्ड हो जाएंगे, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज खींचेगा, माइग्रेट करवाएगा किसी एक ग्रुप को, तो एक्चुअली इसका लोन पेयर यहां पहुंच गया है। तो ये डायरेक्ट नहीं दे रहा है, इनडायरेक्टली दे रहा है, तो ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव पुल कर रहा है, खींच रहा है निगेटिव चार्ज को अपने पास। तो याद रखिएगा, इसलिए तो कहा गया दो एल्कोहल, पहले एक एल्कोहल वाटर बन के निकल गया, उसके बाद जैसे ही कार्बन पर प्लस चार्ज आया, और हर बार आप देखेंगे कि दूसरे ही कार्बन पर एल्कोहल होगा, क्योंकि मैंने कहा था 1-2 विसिनल दो लगातार होंगे, तो एक पर पॉजिटिव चार्ज आएगा दूसरे पर होगा OH, तो हर बार तीन मेंबर वाले कंडीशन बन रही होगी, इसलिए तीन मेंबर रिंग नहीं बनेगा, ये लोन पेयर देगा इसको, यहां से एक ग्रुप माइग्रेट होके पहुंचेगा यहां, जैसे ही इस पर आएगा प्लस चार्ज एच निकल जाएगा, तो इसलिए ये कैटलिस्ट की तरह भी काम करेगा। अब यहीं पर एक बात समझ लो कि हम लोग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्यों नहीं लेते हैं, एक्चुअली होता क्या है, जैसे ही आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो वो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक साथ दो एच रिलीज करता है, तो एक एच आकर इसको वाटर बना के निकाल देता है और यहाँ कार्बोकेटायन जनरेट होता है, जब तक ये कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होता, पुश पुल मैकेनिज्म होता, उससे कहीं पहले चूंकि सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड था दूसरा एच भी निकल जाता है, जैसे ही दूसरा एच निकलता है वो फिर से इसको वाटर बना के निकाल देता है, क्योंकि दो OH है ना, तो सेम फिनोमेना हो सकता है, तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो दो दो OH को रिलीज, दो दो एल्कोहल को रिलीज करवा देगा वाटर के फॉर्म में, इसीलिए कंसंट्रेटेड नहीं लेंगे या बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं लेंगे, तो हम लोग डाइल्यूट लेते हैं कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ा कम किया जाए, और एक ही बार डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा, दो बार डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं ले सकते। दूसरी बात फिनोमेना को समझाने के लिए, डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पर हम लोग HCl ले सकते हैं, ऐसे एसिड लें जो एक ही एच दे सकता है, तो इसलिए हम लोग HCl ले लेंगे। HCl ले लेते ना तो सवाल बनता नहीं, तो आप समझो इंट्रेंस का सवाल बनने का मकसद क्या है, बनने का मकसद यह है कि वो ऐसा एसिड लेगा जिसमें दो दो प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी हो, फिर वो सवाल पूछेगा आपसे कि बताओ एक ही OH क्यों निकला। HCl ले लेता तो ये सवाल जहन में आता ही नहीं कि भाई ठीक है HCl सर एक ही एच देगा, दूसरे का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, इसीलिए वो जानबूझकर HCl नहीं लेता है, वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेता है या डाइल्यूट फॉस्फोरिक एसिड, यहां तीन तीन प्रोटॉन की प्रोबेबिलिटी है फिर भी वो एक ही देगा, डाइल्यूट है, वीक है, हालांकि फॉस्फोरिक एसिड खुद अपने आप में वीक एसिड है, डाइल्यूट ले लेंगे तो और वीक हो जाएगा और एक ही एच जाएगा।
तो इसमें तीन चार बातें हैं जो आपको थोड़ा समझना है। एक तो मैकेनिज्म इसका समझ लीजिए, और उस मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री जान लीजिए कि विटिक ने दिया था, पुष्पुल कहा था। और सेकेंड स्टेप ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप यकीन जानिए बिल्कुल एल्कोहल का एक जनरल रिएक्शन है। एल्कोहल में ऐसे ही होता है, एल्कोहल जब भी एसिडिक मीडियम में आएगा वाटर रिलीज हो जाएगा। तो इतनी बात हो गई, अरे बोलो ना, हो गई, उतार लिए। चलो आगे सुनो, आगे बात यह है, यहां पर तो मैंने सिचुएशन सिमेट्रिक लिया था। अगर सिचुएशन सिमेट्रिक नहीं होता तब क्या करते? तो पहले मैं एक लाइन लिख देता हूं, उसके बाद उसको और अच्छे से समझाते हैं। माइग्रेटिंग टेंडेंसी, ठीक है, पहला स्टेप तो हो गया, कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया। अब यहां मिथाइल है और यहां इथाइल है, या यहां मिथाइल है यहां बेंजीन रिंग है जिसको फेनाइल कह सकते हैं। तो यार कौन जाएगा, यहां पे तो दोनों मिथाइल था, या तो ये चला जाता या ये चला जाता, दोनों सेम चीज है बेटा, देख लो, या तो ये मिथाइल चला जाए या ये मिथाइल चला जाए, कोई एक ही जाएगा, उसके बाद प्रोडक्ट वही बनेगा। लेकिन मान लीजिए एक तरफ मिथाइल एक तरफ इथाइल हो, तब क्या करेंगे? तो जेई में अक्सर, नीट के लिए तो इतना ही है, जेई में अक्सर वो ग्रुप अलग अलग रखता है। तो हमें जानने की जरूरत है कि अगर अनसिमेट्रिक केस हो तो क्या होगा, माइग्रेटिंग टेंडेंसी किसको कहेंगे। तो पहले मैं लिख देता हूं फिर आपको समझाते हैं। माइग्रेटिंग ऑर्डर, तो देखो अगर हाइड्रोजन हो तो सबसे पहले माइग्रेट करेगा, उसके बाद एराइल कंपाउंड है यानी बेंजीन रिंग वाला कोई कंपाउंड, उसके बाद 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और सबसे आखिर में मिथाइल, मिथाइल सबसे आखिर में। अब ये तो बात हो गई कि चलो भाई ये एक तरह से याद करना है। अब देखो इसमें और बहुत एडवांस लेवल तक का हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं कि यार एराइल तो बहुत सारे हैं, एराइल में बेंजीन आ जाएगा, बेंजीन पर OH ग्रुप लग सकता है, मिथाइल ग्रुप लग सकता है, नाइट्रो ग्रुप लग सकता है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। उसके बाद ये 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री हम लोग समझेंगे कैसे। तो याद रखो मैं ये बताने की कोशिश करूँगा तुम्हें, दो बातों का तो हमेशा ख्याल रखना है, उसके बाद के लिए मैं समझा दे रहा हूँ। मिथाइल सबसे लास्ट में और हाइड्रोजन सबसे पहले, बाकी एराइल पूरा का पूरा एक फैमिली है, और फिर ये सारे के सारे अल्काइल ग्रुप है, ये सारे के सारे अल्काइल ग्रुप है, यानी एक बेंजीन रिंग वाला एक बिना बेंजीन रिंग वाला। इनका ऑर्डर आप कैसे देखेंगे तो समझो, इजी टू जनरेट निगेटिव चार्ज, जो चीज माइग्रेट करने वाली है उस पर निगेटिव चार्ज आना चाहिए, क्योंकि वो माइग्रेट करके कहां जा रहा है, कार्बोकेटायन पर। तो जितने आसानी से या जितनी जल्दी निगेटिव चार्ज आ जाए, जितनी आसानी से या जितनी जल्दी निगेटिव चार्ज आ जाए उतने आराम से वो माइग्रेट कर जाएगा। अब ध्यान से समझो, इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। एराइल खानदान को अब मैं डिस्कस कर रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास ये ग्रुप है, और याद रखो ये लगा हुआ है उस कार्बन से जहां से माइग्रेट करना है इसको, ये कुछ इस तरह का होगा, यहां पे OH, बात को समझना। तो अब सवाल ये उठेगा कि ये ग्रुप था जो कार्बन पे लगा हुआ था, और एक तरफ मान लो यही मिथाइल है, एक तरफ क्लोरीन, एक तरफ NO2,
इनका ऑर्डर लिखना है, माइग्रेटिंग टेंडेंसी का ऑर्डर. दिस इज ऑप्शन ए, दिस इज ऑप्शन बी, दिस इज ऑप्शन सी, दिस इज ऑप्शन डी. निगेटिव चार्ज देखना है बेटा, और निगेटिव चार्ज कहां पर देखना है ये भी समझो. ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ था तो इस कार्बन पे निगेटिव चाहिए, ताकि ये माइग्रेट करके, समझ में आ रहा है, दूसरे वाले पर हो. यानी मैं कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको पहले ही दिखला देता हूं, ये कार्बोकेटायन बना हुआ है और इस पर एक एराइल ग्रुप है, ये ग्रुप, यही पूरा एराइल है, ये इस तरह से लगा हुआ आके. या कंफ्यूजन ना हो इसलिए ए आर को मैं ऊपर लगा देता हूं, ताकि समझ में आए यही कार्बन था, इसी के ऊपर यही पूरा ए आर है, यही माइग्रेट होना है. तो आपको जीओसी में इसीलिए पहले पढ़ाया गया है कि आप खुद सोचें, यार ये कोई ग्रुप है, ओएच है, अपना लोन पेयर देगा, और ये लोन पेयर देगा तो ऑर्थो पे, यहां पे जो पाई बॉन्ड था वो शिफ्ट होकर ऑर्थो को निगेटिव बनाएगा, पैरा को निगेटिव बनाएगा. तो ये आराम से निगेटिव बना सकता है ड्यू टू प्लस ए मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू. यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा क्योंकि अल्फा है, और हाइपर कॉन्जुगेशन भी एक रेजोनेटिंग इफेक्ट है, रेजोनेंस वाला इफेक्ट है, लेकिन मेसोमेरिक से थोड़ा वीक है क्योंकि यहां सिग्मा बॉन्ड टूटता है, लेकिन आता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही निगेटिव चार्ज, बट आता है हाइपर कॉन्जुगेशन से. तो इतना तो समझ में आ गया कि इन दोनों में सबसे पहले कहां पर निगेटिव चार्ज आया होगा, तो फेनॉल के केस में, उसके बाद आया होगा टॉलिन के केस में. तो इसका मतलब इन दोनों के केस में अगर यही दोनों लगे रहते, अगर यहां पर यही दोनों लगे रहते तो फेनॉल शिफ्ट होता बेटा. अब आते हैं यहां पर, यार क्लोरीन के पास लोन पेयर जरूर है, लेकिन पढ़ाया था हेलोजन का इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट होता है और माइनस आई इफेक्ट होता है. तो जितने भी हेलोजन होंगे वो सब क्या करेंगे, स्लाइटली खींचेंगे, खींचने पर ऑर्थो और पैरा पे तो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है माइनस आई की वजह से, यानी देने की टेंडेंसी कम, पॉजिटिव थोड़ी जाएगा पॉजिटिव पर. अब आते हैं यहां नाइट्रो माइनस एम, ये तो और खींचेगा बेटा क्योंकि इसके पास पाई बॉन्ड है, पढ़ाया गया एनओ टू खींचने वाला विड्रॉ है, साइनाइड होता नाइट्रो होता तो क्या ये ऑर्थो और पैरा को बहुत बड़ा पॉजिटिव बना देगा. तो माइग्रेटिंग ऑर्डर मुझे समझ में आ गया कि सबसे आसानी से माइग्रेट ए करेगा, फिर बी करेगा, सी डी में सी थोड़ा बहुत कर सकता है क्योंकि सी में माइनस आई के साथ साथ प्लस एम भी है, हालांकि प्लस एम कम डोमिनेंट है, माइनस आई ज्यादा डोमिनेंट है, लेकिन ठीक है थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज यहां आया. ये तो बहुत मुश्किल से माइग्रेट करेगा, दिस इज द माइग्रेटिंग ऑर्डर. कहती मत समझ आगे. अब एक लास्ट बात, उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस, लास्ट बात क्या है वो सुनिए. हम लोगों ने माइग्रेटिंग ऑर्डर पढ़ लिया, जब अनसिमेट्रिक केस है तो हम लोग ये भी पढ़ना चाहेंगे कि कार्बोकेटायन कहाँ पे फॉर्म हुआ है. ये तो मैंने ये मान लिया कि चलो कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया, उसके बाद माइग्रेट कौन करेगा, लेकिन शुरू में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, कि कार्बोकेटायन कहां पे फॉर्म होगा ये भी इंपॉर्टेंट है. तो कार्बोकेटायन के लिए तो भाई सिंपल सी बात ये समझ लीजिए कि चूंकि स्टार्टिंग में होना है ना, और न्यूट्रल कंपाउंड से रिएक्शन शुरू होता है, न्यूट्रल कंपाउंड का आप कार्बोकेटायन बना रहे हैं, यानी स्टेबल को आप अनस्टेबल बना रहे हैं. न्यूट्रल था तो स्टेबल था, कोई चार्ज था ही नहीं. फिर उसके बाद आप एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवा रहे हैं तो वाटर रिलीज हो रहा है, डिहाइड्रेशन के बाद कार्बोकेटायन फॉर्म होगा. तो हमारी कोशिश क्या होगी, हमारी कोशिश ये होगी कि हम उधर कार्बोकेटायन बनाए जिधर ज्यादा स्टेबल हो, यानी ईजी टू स्टेबलाइज
कार्बोकेटायन, वो कार्बोकेटायन ही ज्यादा बनता है जो स्टेबल होता है, स्टेबल कार्बोकेटायन। आपको स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना है, इजी टू स्टेबलाइज कार्बोकेटायन, यानी कार्बोकेटायन जो स्टेबल होगा भाई वही बनेगा। यानी अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री में क्वेश्चन हो तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनाएंगे हमेशा, जिधर कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल आपको नजर आए वही बनाया जाएगा। तो बस आपको इतनी बातों का जहन में रखना है, उसके बाद क्वेश्चंस की हम लोग आप प्रैक्टिस कर लें, देख लें कि क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं। चलो, तो ये सारे पॉइंट्स हमने पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन का लिखवा दिया, अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। या चलो 4 ही क्वेश्चन है, ठीक है। भाई कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं इसको पिनाकोल कहूंगा, क्योंकि 2 लगातार कार्बन पे मुझे OH दिख रहा है। सबसे पहले क्या होगा कि ये H आकर अटैक करेगा। अब सवाल ये है कि इस OH को ले जाए या इस OH को ले जाए। तो आपको सोचना है, अगर OH ये चला गया, ऐसा सोचना है ये OH चला गया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये 1 डिग्री ये 2 डिग्री, यानी इस पर अगर प्लस चार्ज आया तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन। सोचो ना, यहाँ प्लस चार्ज है तो इस प्लस चार्ज वाले कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन, ये तो हाइड्रोजन जुड़ा है और ये कार्बन, तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना है। 2 डिग्री कार्बोकेटायन यानी अल्फा कार्बन कम है, 2 ही अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन भी कम हुए। चलो अल्फा हाइड्रोजन देख लो, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 1 भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं। अब सोचो अगर ये वाला OH गया होता तो यहाँ कार्बोकेटायन जनरेट होता, इधर अल्फा इधर अल्फा इधर अल्फा, 3 डिग्री हो गया, यहाँ पे जनरेट होगा तो 3 डिग्री, यहाँ पे जनरेट होगा 2 डिग्री। जाहिर सी बात है कौन होगा पहले स्टेप पर, जाहिर सी बात है 3 डिग्री। अब जैसे ही यहाँ कार्बोकेटायन जनरेट हो गया, सिर्फ और सिर्फ बीच में इंटरमीडिएट दिखला रहे हैं, चूंकि सारे रिएक्शन को मैकेनिज्म वाइज सॉल्व किया है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मजा यही है कि आपको मैकेनिज्म आए।
चलिए वाटर रिलीज हो गया, सबसे पहले ये डायलूट सल्फ्यूरिक एसिड आया होगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर रिलीज करवा दिया, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया। अब यहां से पुशपुल मैकेनिज्म, पुशपुल मैकेनिज्म में क्या होगा, यहां लोन पेयर है ये डोनेट करेगा, और ये बॉन्ड सबसे कमजोर बॉन्ड होता है इसलिए ये ब्रेक होता है सबसे आसानी से। एच पर नेगेटिव चार्ज तुरंत आ जाता है फौरन, जबकि यहां कार्बन कार्बन का बॉन्ड सिमेट्रिक होने की वजह से, ये एक तरह से कह सकते हैं आप नॉन पोलर बॉन्ड है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड नॉन पोलर, जबकि कार्बन हाइड्रोजन में थोड़ा बहुत तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव का डिफरेंस है जिसकी वजह से यहां पोलरिटी है, तो सबसे पहले कौन माइग्रेट करेगा बेटा, एच। और यहां पर क्या होगा, डबल बॉन्ड, सोचो ये डबल बॉन्ड और ये एच माइनस, जिसको आप हाइड्राइड शिफ्ट कह सकते हैं, हाइड्रोजन शिफ्ट होकर यहां आ गया, यानी इस कार्बन पर जहां फंक्शनल ग्रुप है ये लोन पेयर देकर मिथाइल या हाइड्राइड इन दोनों में से किसी एक को शिफ्ट करेगा, ऑर्डर पढ़ाया था ये सबसे लास्ट में, क्योंकि ये बॉन्ड जो होता है कार्बन कार्बन के बीच का ये सिमेट्रिक बॉन्ड होता है, नॉन पोलर बॉन्ड होता है, तो ये बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है बेटा, ये टूटता नहीं है, जबकि ये एक तरह से कह सकते हैं पोलरिटी है, क्योंकि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, कम इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, तो पोलरिटी डेवलप हो गया, ये लेकर तुरंत बॉन्ड तोड़ देगा और यही आकर यहां लग जाएगा। तो ये हो गया आपका एल्किटोन वाला केस, तो ये था पहले रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट, यही बनेगा। अब आते हैं यहां पर फिर वही सवाल, सबसे पहले एसिडिक मीडियम में वाटर रिलीज कराना है और कार्बोकेटायन बनाना है, तो जरा सोचो अगर यहां से कार्बोकेटायन बन गया तो यहां पर आएगा प्लस चार्ज, अब ये OH आपको नहीं देखना है, OH वाटर बन के निकल चुका है, तो इससे जुड़ा हुआ होगा एक कार्बन जिस पर तीन हाइड्रोजन, एक कार्बन जिस पर तीन हाइड्रोजन, मतलब छह अल्फा हाइड्रोजन, इस कार्बन पर तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, चूंकि यहां मिथाइल यहां इथाइल ग्रुप है, तो इसका मतलब अगर यहां कार्बोकेटायन जनरेट होता है तो छह अल्फा हाइड्रोजन और टर्सरी। इधर आकर सोचे अगर ये वाला OH जाता तो यहां कार्बन पे प्लस चार्ज आता, इससे जुड़ा हुआ ये एक कार्बन है जिसपे हाइड्रोजन नहीं है, यहां तीन यहां दो, पांच अल्फा हाइड्रोजन, टर्सरी ये भी है, टर्सरी ये भी है, बट यहां छह अल्फा हाइड्रोजन, यहां पांच अल्फा हाइड्रोजन, साफ समझ में आ गया छह वाला ज्यादा स्टेबल है, यहां से वाटर रिलीज हो जाएगा, जब यहां से वाटर रिलीज होगा तो ये कार्बोकेटायन जनरेट होगा। बोलिए सबसे पहले स्टेप पर, क्या समझ में आ रहा है, अब सोचो खुद से सोचो, ये लोन पेयर अटैक मारेगा यहां, ये इथाइल है, दो कार्बन मिलकर थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो गया है, यानी इसके और इसकी बात करें अगर तो इनमें पोलरिटी आ गया है, ये अकेला कार्बन यहां दो कार्बन, जबकि ये अकेला कार्बन ये अकेला कार्बन, इसमें पोलरिटी नहीं है, तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा बेटा, तो ये लोन पेयर अटैक मारेगा, ये पूरा बॉन्ड इथाइल ग्रुप शिफ्ट हो जाएगा, इथाइल ग्रुप शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए पढ़ाया था 2 डिग्री 1 डिग्री उसके बाद मिथाइल, तो मिथाइल सबसे लास्ट में, ये वाला कार्बन सबसे पहले शिफ्ट होगा, तो भाई ये वाला कार्बन जैसे ही शिफ्ट हुआ ये बॉन्ड टूट जाएगा, सोचो ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, बाद में कैटलिस्ट की तरह काम करने के लिए H प्लस रिलीज हो जाएगा, और यहां से जो इथाइल आया था वो आकर यहां लग जाएगा, दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। सबकी स्टेबिलिटी पूरी है देख लीजिए, यानी यहां का इथाइल शिफ्ट करके यहां लगा देंगे, तीसरा वाला नीट में अक्सर पूछा गया है सवाल और है बड़ा आसान, क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिक केस है बेटा, इस कार्बन पर भी फेनाइल मतलब बेंजीन रिंग है एक तरह से, ये भी बेंजीन रिंग, ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन, आप इसको ऐसा समझिए कि यहाँ पे बेंजीन रिंग है लाइक दिस, एक पीएच को मैं बेंजीन रिंग बना देता हूँ, ऐसा है हर जगह, तब तो आसान, कोई भी एक OH रिलीज करा दो,
आप बेंजीनिंग की जगह पे पीएच लिख सकते हैं, और यहाँ से वाटर रिलीज हो गया तो ये एच प्लस आ गया। अब ये भी आसान, क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट कार्बन है ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा, तो ये फिनाइल तोड़ दो या ये फिनाइल तोड़ दो, दोनों तो सेम चीज़ है। तो जब सेम ग्रुप लगे हुए हैं तो कोई माइग्रेटिंग ऑर्डर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, किसी एक को ब्रेक कर दो। मान लो ये ब्रेक कर दिया, अब जैसे ही ये ब्रेक किया तो ये ब्रेक क्यों हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया था, और ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया था तो ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आया था, प्लस चार्ज के बाद एच निकल गया, एच निकल गया तो वापस आप कह सकते हैं कैटलिस्ट बन गया जो भी यहाँ पे एसिड डाला गया था। तो अब क्या हुआ होगा, यहाँ से जो फिनाइल शिफ्ट हुआ वो फिनाइल यहाँ आ गया। This is phenyl. तो ये सवाल अक्सर नीट में पूछा गया, सिमेट्रिक वाला जनरली नीट में आता है, लेकिन बात सिमेट्रिक की है ही नहीं। बात तो ये है कि जब सब ग्रुप अलग अलग हो, और ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, जब सब तरफ एराइल कंपाउंड हो, तो इसमें सबसे पहला सवाल जो बना वो ये बना कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा। तो जरा चेक करते हैं, कार्बोकेटाइन जरा सोचो, अगर मैं इस OH को निकाल रहा हूं तो क्या ये कार्बन कार्बोकेटाइन बनेगा? इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन, इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं, इससे जुड़ा ये कार्बन, इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं, इससे जुड़ा ये कार्बन, कोई हाइड्रोजन नहीं। टर्शरी कार्बोकेटाइन तो है बट विदाउट हाइड्रोजन। चला सोचो, यहां से अगर निकालते ये कार्बन पॉजिटिव आता, इससे जुड़ा ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं, यानी दोनों का दोनों कंडीशन ऑलमोस्ट सेम हो गया, मगर ग्रुप अलग अलग लगे हुए, सिमेट्रिक कंडीशन नहीं है, लाइक दिस सिमेट्रिक कंडीशन नहीं है, ग्रुप अलग अलग है। तो अब क्या सोचेंगे वो सुनो, अब ये सोचना है आपको कि ठीक है कार्बोकेटाइन यहां तो बना था, अब भले इस पर हाइड्रोजन ना हो, इस कार्बन पे हाइड्रोजन ना हो, लेकिन इन तीनों कार्बन में से कौन सा कार्बन निगेटिव है? क्योंकि निगेटिव होगा, लोन पेयर होगा, तो वो दे देगा कार्बोकेटाइन को, और कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाएगा। तो जरा सोचो, ये पैरा पोजीशन पे है इस OH के साथ, तो क्या ये OH अपना लोन पेयर डोनेट करके इस पर निगेटिव चार्ज तुरंत ले आएगा? और यहां मिथाइल ग्रुप है, अल्फा हाइड्रोजन है यहां, तो ये अल्फा हाइड्रोजन से इस पर निगेटिव चार्ज ले आएंगे। तो इस कार्बोकेटायन के पास इन दो जगह पर तो निगेटिव चार्ज आ गया। अब जरा सोचो, अगर ये कार्बोकेटायन बना था तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज, क्योंकि इसका माइनस आई खींच के इस पे प्लस जनरेट करेगा, यहां NO2 खींच कर इस पे प्लस जनरेट करेगा, तो ये कार्बोकेटायन कभी नहीं बनेगा बेटा। बेहतरीन तरीके से समझना है, इसीलिए जीओसी में सारा कुछ पहले एक्सप्लेन कर रखा है, चूंकि आगे पूरा जीओसी का कह सकते हैं एप्लीकेशन ही हमें पढ़ना है, और इन रिएक्शनों में एक तरह से जीओसी का एप्लीकेशन है। तो वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन, देखिए कितनी इजी तरीके से बन जा रहा है, क्योंकि मैंने सारे स्टेप्स पहले पढ़ा रखे हैं। क्या होगा कि कार्बोकेटायन की टर्शरी कंडीशन दोनों जगह सेटिस्फाइड हो रही है, ये भी टर्शरी, फिर देखना है कि इस कार्बोकेटायन के नेबरिंग कार्बन पर कहां आसानी से निगेटिव चार्ज आ रहा है, क्योंकि जहां निगेटिव चार्ज आसानी से आएगा वहां स्टेबलाइज हो जाएगा, तो ये OH रिलीज होगा वाटर के फॉर्म में। चलिए यहां तक तो कंफ्यूजन नहीं है, इस पे प्लस चार्ज हम ले आए, तो बस पहला केस आपको यही डिस्कस करना है कि कहां पे कार्बोकेटायन आएगा, उसके बाद माइग्रेटिंग टेंडेंसी, माइग्रेट कौन करेगा? दूसरे तरफ से। अब इधर से माइग्रेट करना है बेटा, कौन माइग्रेट करेगा? अभी तो पढ़ाया जिस पर नेगेटिव चार्ज आसानी से आ जाए, तो यार NO2 तो अच्छा खासा प्लस चार्ज यहां जनरेट कर देगा, ये प्लस चार्ज यहां आ ही नहीं सकता, इस पर प्लस चार्ज है लेकिन माइनस प्लस एम भी है, इसका मतलब इन दोनों में एक तरह से आप कह सकते हैं कि अगर कोई माइग्रेट कर सकता है आसानी से तो वो माइग्रेट ये करेगा, यानी क्लोरोबेंजीन। तो लाकर इस पर क्लोरोबेंजीन जोड़ दीजिए, और ये इसलिए हुआ होगा क्योंकि इसने लोन पेयर डोनेट कर दिया, सो फाइनली दिस इज द प्रोडक्ट।
यस कार्बो के टाइम पे अगर सर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ रहा है ठीक है होता। अगर कार्बो के कोई भी पॉजिटिव कार्बो के टाइम की बात नहीं है पॉजिटिव का ठीक नेबर वाला अगर नेगेटिव है तो ये स्टेबल होगा क्योंकि नेबर वाला आराम से बॉन्ड के थ्रू वो दे सकता है नेगेटिव चार्ज तो वो नेगेटिव देकर इसके प्लस चार्ज को छोटा कर देगा। एक तो वह डायरेक्ट दे देना डायरेक्ट देता है अल्फा हाइड्रोजन क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देता है हाइपर कंजुमेशन में पढ़ा था एच पे आ जाता है प्लस चार्ज तो बॉन्ड तोड़ के पूरा नेगेटिव चार्ज रख के अपने ऊपर वो ट्रांसफर कर देता है। लेकिन मान लो अल्फा हाइड्रोजन ना हो अब दोनों तरफ हमने देखा नो अल्फा हाइड्रोजन दोनों तरफ टर्शियरी कार्बन तो आपको देखना होगा नेबर कार्बन कैसा है अल्फा कार्बन कैसा है। अल्फा कार्बन पर अगर डेल्टा पॉजिटिव है तब तो वो बराबर वाले को पॉजिटिव बन नहीं देगा रिपल्सन हो जाएगा। अगर वो नेबरिंग कार्बन निगेटिव है अल्फा वाला कार्बन निगेटिव है तो वो अपना लोन पेयर या डेल्टा निगेटिव देता रहेगा खुद को स्टेबलाइज भी तो करना चाहेगा और ये प्लस है तो प्लस के बराबर में अगर माइनस आ जाए तो वो प्लस स्टेबल और वो माइनस भी स्टेबल दोनों स्टेबल होंगे बोथ आर स्टेबलाइज। लेकिन मुझे निगेटिव थोड़ी देखना था मुझे तो यहाँ देखना था कार्बोकेटाइन इसलिए हम लोग बात कार्बोकेटाइन की कर रहे थे। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर अपोजिट चार्ज नेबर में आ गए तो बोथ अट्रैक्टेड अट्रैक्टेड मतलब स्टेबल स्टेबलाइज होंगे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और अगर दोनों निगेटिव हो गया या दोनों पॉजिटिव हो गया तो अनस्टेबल। क्लियर बात समझ में आई। ये कब देखना है ये तब देखना है जब दोनों तरफ सेम इन्वायरमेंट मिल रहा है आपको। सेम इन्वायरमेंट का मतलब दोनों तरफ टर्शियरी टर्शियरी अब कन्फ्यूजन यार ये भी टर्शियरी अल्फा हाइड्रोजन भी लगभग लगभग सेम तो अब क्या करेंगे तो इस केस में आपको इंडक्टिव इफेक्ट देखना है। ये डेल्टा निगेटिव पार्शियल निगेटिव लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट है और इंडक्टिव इफेक्ट सबसे आखिर में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ यही कंडीशन देखनी थी कि अगर ये कार्बोकेटाइन गलती से बन जाता है सोचने वाली बात है तो देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है नाइट्रो ग्रुप की वजह से नाइट्रो ग्रुप खींच के ऑर्थो पैरा में पॉजिटिव बनाएगा तो ये पॉजिटिव इसको कहीं पॉजिटिव बनने ही नहीं देगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ही देख रहा हूँ मैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ही देख रहा हूँ लेकिन ग्रुप की वजह से देख रहा हूँ ना क्योंकि दोनों तरफ देखो ना यहाँ कार्बोकेटाइन बना है तो यहाँ भी कार्बन टर्शियरी कार्बन है यहाँ पर निकाले तो ये कार्बोकेटाइन ये भी कार्बन दोनों का दोनों ये इस पर प्लस आवे या इस पर प्लस आवे दोनों का दोनों 3 डिग्री बन रहा है और एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अब क्या देखेंगे कि यार अगर यहाँ प्लस चार्ज जनरेट हो गया तो ये वाला जो कार्बन है ये पार्शियल पॉजिटिव है नाइट्रो ग्रुप की वजह से नाइट्रोजन खींचकर ऑर्थो और पैरा में प्लस चार्ज जनरेट कर चुका है तो क्या ये प्लस और ये प्लस में रिपल्सन हो जाएगा। रिपल्सन होने की वजह से ये बॉन्ड बहुत कमजोर हो जाएगा तो ये शुरू में नहीं बनेगा ये शुरू में नहीं बन सकता। अच्छा यहाँ पर भी हल्का सा पार्शियल पॉजिटिव है तो यार इसको तो ये दोनों अगेंस्ट कर रहा है प्लस चार्ज आने से तो अब इस पर देखते हैं। यहाँ पर जैसे ही प्लस चार्ज आया सोच रहा हूँ मैं अभी तो क्या ये नेबर कार्बन OCS3 की वजह से ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देकर ऑर्थो और पैरा को निगेटिव बना रहा है ये निगेटिव स्लाइटली शिफ्ट करा देगा तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन फेवर कर रहा है यहाँ पर। उस तरह से यहाँ पर देखो हाइपर कंजुगेशन हो रहा है अल्फा हाइड्रोजन आ रहे होंगे ऑर्थो और पैरा को निगेटिव बना रहे होंगे लेकिन इससे पहले ये आ चुका है तो यहाँ पर जो दो ग्रुप है दोनों के दोनों फेवर कर रहे हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को जबकि यहाँ पर ये दोनों का दोनों जो है बेंजीन रिंग वो डीस्टेबलाइज कर रहा है कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन को इसलिए यहां पे नहीं बनेगा। अगर अब सवाल ये उठा कि दोनों तरफ फेवर वाले होते तो फिर प्लस एम का ऑर्डर देखते कि कहां पे लोन पेयर जल्दी चला जाएगा बहुत टफ बन जाता यही अपने आप में एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। लेकिन चलो जीओसी का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपको पता है ना कि अगर सबके सब प्लस एम वाले ग्रुप है तो यार बताओ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कहां है तो उस ऑर्डर से फिर निकालते। जैसे मिसाल के तौर पर यही एक ग्रुप यहां पर होता ठीक है OCS3 हो जाता सिमेट्रिक केस में बात नहीं कर रहा हूं यहां बात कर रहा हूं OCS3 ये भी OCS3 तो दोनों ग्रुप तो सेम हो गया ना तो इसकी वजह से डिफरेंसेस नहीं होंगे ये दोनों सेम का सेम इफेक्ट डाल रहे हैं तो फिर इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे बेटा डिफरेंसेस कहीं ना कहीं तो आएगा उस डिफरेंसेस के बेस पर सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डिसाइड होगा। CN लग जाता कोई दिक्कत नहीं है कहां पे NO2 या CN लग जाता तो वो भी डीस्टेबलाइज करता इधर वाले में अभी सवाल ये उठा कि सर CN लग जाता चलो ठीक है ध्यान समझो तो ये CN यहां पे प्लस ये माइनस यहां पर प्लस यहां पर प्लस अभी भी यही होगा वो ठीक है वो बड़ा छोटा की बात हम नहीं कर रहे हम सिंपल सा पहले देख रहे हैं यार यहां दोनों का दोनों डिस्टेबलाइज दोनों प्लस ला रहा है पैरा पे पैरा पोजिशन को देखोगे ना पैरा ही तो अल्फा है इसके रेस्पेक्ट में तो दोनों के दोनों पे प्लस आ रहा है क्या
यहाँ पर इसकी वजह से माइनस आ रहा है और CN की वजह से प्लस आ रहा है। तो भाई यहाँ पर दोनों का दोनों डिस्टेबलाइज, यहाँ स्टेबलाइज डिस्टेबलाइज, तो एक निगेटिव है ये फेवर कर देगा। हाँ यहाँ पर भी अगर हम लोग ऐसे ही ले लेता हूँ मैं CN या CN की जगह पे चलो CL ले लेते, CL ले लेंगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि CL वाला इफेक्ट तो सेम हो गया तो इसलिए कंपेयर नहीं करेंगे। दोनों सिमेट्रिक है, ये दोनों चाहे दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो वो बात की बात है। इसकी वजह से जो कार्बोकेटाइन पे असर हुआ इसकी वजह से वही कार्बोकेटाइन पे असर हुआ। तो अब इन दोनों को देखो तो NO2 और CN में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, NO2, तो ये प्लस चार्ज ज़्यादा बड़ा बेटा, तो यहाँ से वही निकलेगा। यहाँ पर हटा दिया नाइट्रोबेंजीन की जगह सिर्फ बेंजीन है, कोई बात नहीं ठीक है। अच्छा बेंजीन ना होता सिर्फ मिथाइल होता, यहाँ मिथाइल ले लिया CH3। चल भाई आगे बोल, इधर OH होता OCH3, वही तो चलो OCH3 होता, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH होता, यही ना। तो सीधी सी बात है बेटा सोचने वाली कि ये वाला जो कार्बन है ना और ये जो कार्बन है ये रेजोनेंस करके हो रहा है, और रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन है तो क्या होगा बताओ, ये डोमिनेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से ये आकर ये निगेटिव बना रहा है, ये आकर ये निगेटिव बना रहा है, यार यहाँ भी निगेटिव यहाँ भी निगेटिव, बिना बॉन्ड तोड़े काम हो रहा है। अल्फा हाइड्रोजन सबसे आखिर में देखते हैं, जब टर्सरी कार्बन दोनों तरफ हो गया तो फिर आप वो नहीं देखना, आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखना है। इसलिए मैंने कोई डिग्री उग्री नहीं बढ़ाया है, मैं सिर्फ बात कर रहा था तो कह रहा था 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अल्फा हाइड्रोजन जो है हाइपर कॉन्जुगेशन है, हाइपर कॉन्जुगेशन बस इंडक्टिव से मजबूत है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन से मजबूत तो रेजोनेंस है, और रेजोनेंस से मजबूत मेजोमेरिक है, और यहाँ सारा खेल मेजोमेरिक का हो रहा है। दिस इज अगेन मेजोमेरिक, मेजोमेरिक इफेक्ट इज डोमिनेंट, और इसके अंदर तो एरोमेटिक कैरेक्टर भी है, बेंजीन रिंग है तो एरोमेटिसिटी भी आ रही है इसकी, और लोन पेयर देकर एरोमेटिसिटी मेंटेन रखता है, जब खींचता है तब बेंजीन की एरोमेटिसिटी लॉस होती है। समझ में आ रही बात, तो ये पूरा खेल है बेटा। तो यही था पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, पिनाकोल में क्या होता है, दो लगातार कार्बन होते हैं उस पर OH ग्रुप होता है, और उसमें से क्या होता है एक OH ग्रुप तो पहले ही निकल जाता है एसिडिक मीडियम होने की वजह से, और उसकी वजह से कार्बोकेटाइन जनरेट होता है। कार्बोकेटाइन जब जनरेट हो जाता है तो वो नेक्स्ट कार्बन जिस पे OH था तो वहां से लोन पेयर ऑक्सीजन देता है, इसको कहते हैं पुश, विटिंग ने कहा था इसको पुश, और पुल करता है कार्बोकेटाइन, किसको पुल करता है, जो बहुत आसानी से निगेटिव बन जाए, जो बहुत आसानी से निगेटिव बन जाएगा उसको प्लस चार्ज खींच लेगा। आसानी से निगेटिव बनना कहो या कहो बहुत बड़ा निगेटिव है, बहुत बड़ा निगेटिव होगा तो उसको प्लस चार्ज क्या करेगा, बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन प्लस चार्ज छोटा बनना चाहिए शुरू में, तभी रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो स्टेबल कार्बोकेटायन और अनस्टेबल कार्बोनायन माइग्रेटिंग के लिए वो आसानी से माइग्रेट कर सकता है जिसके ऊपर अच्छा खासा निगेटिव चार्ज हो। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो किसी और रीअरेंजमेंट की बात करेंगे, जो होपफुली कल होगा।